नमस्कार, आदाब, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुक करते हैं सबसे पहले गोड्डा से। पैंथर 11 रिलायंस व युवा शक्ति ने जीते मैच। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में बी डिवीजन लीग क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। गुरुवार को लीग के 5 मैच 3 मैदानों पर खेले गए। महागावा के ऊर्जा नगर स्टेडियम में खेले गए लीग मैच में पैंथर 11 ने किंग्स 11 को 8 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 में 18 में 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए, जहां असफाक ने 84 रनों का योगदान दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पैंथर 11 ने 2 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से पंच लाल ने 79 रनों की पारी खेली। केरल से पोड़ियाहाट लाए गए मजदूरों के शव, पसरा मातम। राज्य सरकार की पहल पर केरल से 2 मजदूरों के शवों को गुरुवार को सुबह उनके पैतृक गांव पोड़ियाहाट स्थित सूरा पपरवा गांव लाए गए। 2 मजदूरों के शव आते ही मृतकों के स्वजनों के चित्कार से पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। बता दें कि बीते सोमवार की रात को केरल के इडुक्की जिले के नेंटुकंडम थाना क्षेत्र के तोवाड़ा गांव में पोड़ियाहाट के 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। मजदूरों के साथ रह रहे उनके रूम पार्टनर ने ही आपसी विवाद में धारदार हथियार से दोनों मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, जा सकती थी कई जाने। गोड्डा शहर के नहर चौक स्थित सनराइज हॉस्पिटल में गुरुवार की अल सुबह सर सर्किट से लगी आग के बाद 21 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। शहर में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन निजी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में स्पेस और मरीजों के बेड से जुड़े मशीनी के रख रखाव सहित आधारभूत संरचनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से हादसे में 66.4 लाख रुपए की संपत्ति की क्षति का दावा किया गया है। गोड्डा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, बड़ी परेशानी। गोड्डा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। राज्य गठन के बाद जिला में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बन पाया है जिससे लोगों को बाहर नहीं जाने पड़े। यहां मामूली मर्ज पर भी मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कालांतर में सरकार ने अस्पताल भवनों के निर्माण में बीते 2 दशकों में अरबों रुपये फूंक दिए, लेकिन मौजूदा अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। खबर अब दुमका से। झारखंड के दुमका में आदिवासी महिला के साथ 17 लोगों ने किया गैंगरेप, तो विपक्ष ने सोरेन सरकार को घेर लिया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक महिला के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप किया। घटना के वक्त अंधेरा होने की वजह से महिला केवल एक आरोपी को पहचान पाई है। उसने गोलपुर निवासी रामू मोहली का नाम पुलिस को बताया है। वह पीड़िता के गाँव का ही रहने वाला है। लालू यादव की जमानत पर फैसला टला, 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई, सीबीआई ने खेला बड़ा दांव। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 6 सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने लालू की कस्टडी पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट के समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। उनकी ओर से दुमका कोषागार मामले में सजा की अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड व केसीसी के लिए किसानों को करें जागरूक। दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी वी ने गुरुवार को आत्मशासी परिषद व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं केसीसी के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में रबी के लिए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करें। खबर देवघर से। टोल प्लाजा कर्मी ने ही रची थी लूट की साजिश। देवघर हसडिया मुख्य मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के बुडकवा कूड़ा पास कोठिया टोल प्लाजा प्रबंधक से दिन दहाड़े हुए लूटकांड पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लूट की घटना को अंजाम देने में प्रयोग किए गए बाइक व 2 मोबाइल बरामद किया गया है। SPPO विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस लूटकांड की साजिश टोल प्लाजा की ही एक स्टाफ गौरव सिंह ने रची थी।
इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ मधुपुर गिरिडीह मार्ग पर चलने लगी यात्री ट्रेन। मधुपुर गिरिडीह रेल मार्ग पर गुरुवार से यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही इस रेल मार्ग पर पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन पर परिचालन आरंभ हो गया। मधुपुर गिरिडीह सवारी ट्रेन का परिचालन चालक संजीव कुमार, उपचालक सूरज कुमार व गार्ड जीपी यादव द्वारा किया गया। ट्रेन में सफर के लिए पहले दिन करीब 30 यात्री सवार हुए। ट्रेन निर्धारित समय से सुबह 8 बजे मधुपुर से गिरिडीह के लिए ट्रेन रवाना हुई। अपराधी बाहर रहेंगे तो आम जनता की बढ़ेगी परेशानी। देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने गुरुवार को सारण थाना क्षेत्र के औचक निरीक्षण किया। एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक किया तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाने में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि अनावश्यक रूप से मामले को लंबित नहीं रखें। मामला लंबित रहने से पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। मामले के अनुसंधान में पारदर्शिता बरतने का भी निर्देश दिया है। खबर अब जामताड़ा से। जामताड़ा से छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में जामताड़ा जिले के करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह बताया कि एटीएम कार्ड अपडेट करने के नाम पर छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक से 5 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में जामताड़ा जिले के नारायणपुर तथा करमाटांड थाना क्षेत्र के 4 आरोपियों को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना की गठित टीम ने नारायणपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। जामताड़ा में 1,05,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का रखा गया है लक्ष्य। उप विकास आयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त नमन प्रवेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग से संबंधित बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड बनाए जाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन के उपरांत प्रकाशन की समीक्षा की गई। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की कार्यशैली पर पैनी निगाह पत्रकार रखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। विधानसभा के क्लब हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो उपस्थित थे। थम गई थी नवजात के स्वजनों की धड़कनें। गुरुवार की सुबह 5 बजे हवाला सुनने पर मुरारी मंडल की नींद टूटती है। उन्होंने पता चलता है कि अस्पताल के NICU वार्ड में आग लग गई है। उसी वार्ड में उनका नवजात नाती भी इलाजरत है। वे भयभीत हो गए कि बच्चा कैसा है। वे अपने बच्चों को लेकर अपने घर गंगटा मोहल्ला ले जाना चाहते थे। बाद में चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि उनके नवजात को रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। रांची दुमका में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। लुईस मरांडी बोली, सरकार को नींद से जगाने के लिए प्रदर्शन। झारखंड के दुमका में एक महिला के साथ 17 युवकों के गैंगरेप की वारदात ने पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाले इस मामले में आरोपियों ने महिला के पति को बंधक बनाकर पीड़िता के साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगलवार को ही इस वारदात में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सूबे की हेमंत सरकार पर निशाना साधा, साथ ही दुमका और रांची में धरना भी दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।